मोमिनों उन लोगों जैसे न होना जो कुफ्र करते हैं, और उनके मुसलमान भाई जब अल्लाह की राह में सफर करें और मर जाएं या जिहाद को निकले और मारे जाएं, तो उनकी निस्बत कहते हैं कि अगर वो हमारे पास रहते तो न मरते और न मारे जाते। ये इसलिए कि अल्लाह उन लोगों के दिलों में अफसोस पैदा कर दे, और जिंदगी और मौत तो अल्लाह ही देता है, और अल्लाह तुम्हारे सब कामों को देख रहा है। और अगर तुम अल्लाह के रास्ते में मारे जाओ या मर जाओ, तो जो मालूमता लोग जमा करते हैं उससे अल्लाह की बख्शीश और रहमत कहीं बेहतर है। और अगर तुम मर जाओ या मारे जाओ तो अल्लाह के हुजूर में जरूर इकट्ठे किए जाओगे। फिर ए नबी, अल्लाह की मेहरबानी से तुम उन लोगों के लिए नर्म मिजाज वाके हुए हो, और अगर तुम बदखू और सख्त दिल होते तो ये तुम्हारे पास से भाग खड़े होते। सो इनको माफ कर दो और इनके लिए अल्लाह से मगफिरत मांगो, और अपने कामों में इनसे मशवरत लिया करो, और जब किसी काम का पुख्ता इरादा कर लो तो अल्लाह पर भरोसा रखो, बेशक अल्लाह भरोसा रखने वालों को दोस्त रखता है। अगर अल्लाह तुम्हारा मददगार है तो तुम पर कोई गालिब नहीं आ सकता, और अगर वो तुम्हें छोड़ दे तो फिर कौन है उसके बाद तुम्हारी मदद करे। और मोमिनों को तो चाहिए कि अल्लाह ही पर भरोसा रखें, और कभी नहीं हो सकता कि कोई पैगंबर खयानत करे, और खयानत करने वालों को कयामत के दिन खयानत की हुई चीज अल्लाह के रूबरू ला हाजिर करनी होगी। फिर हर शख्स को उसके आमाल का पूरा पूरा बदला दिया जाएगा, और उनके साथ बेइंसाफी नहीं की जाएगी। भला जो शख्स अल्लाह की खुशनुदी का ताबे हो, वो उस शख्स की तरह हो सकता है जो अल्लाह की नाखुशी में गिरफ्तार हो, और जिसका ठिकाना दोजख है और वो बुरा ठिकाना है। सब लोगों की अल्लाह के यहां मुख्तलिफ दर्जे हैं, और अल्लाह उनके सब आमाल देख रहा है। अल्लाह ने मोमिनों पर यकीनन एहसान किया है कि उनमें उन्हीं में से एक पैगंबर भेजे जो उनको अल्लाह की आयतें पढ़ पढ़ कर सुनाते और उनको पाक करते और उन्हें किताब हिकमत की तालीम देते हैं। और पहले तो ये लोग खुली गुमराही में थे। भला ये क्या बात है कि जब उहद के दिन कुफार के हाथ से तुम पर मुसीबत वाकई हुई, हालांकि जंगे बद्र में उससे दुगनी मुसीबत तुम्हारे हाथ से उन पर पड़ चुकी है, तो तुम कहने लगे कि ये आफत हम पर कहां से आ पड़ी। कह दो कि ये तुम्हारी ही शामत आमाल है कि तुमने पैगंबर के हुक्म के खिलाफ किया। बेशक अल्लाह हर चीज पर कादिर है, और जो मुसीबत तुम पर दोनों जमातों के मुकाबले के दिन वाकई हुई सो अल्लाह के हुक्म से वाकई हुई, और उससे ये मकसूद था कि अल्लाह मोमिनों को अच्छी तरह मालूम कर ले और मुनाफिकों को भी मालूम कर ले। और जब उनसे कहा गया कि आओ अल्लाह के रास्ते में जंग करो या काफिरों के हमलों को रोको, तो कहने लगे कि अगर हमको लड़ाई की खबर होती तो हम जरूर तुम्हारे साथ रहते। ये उस दिन ईमान की निस्बत कुफ्र से ज्यादा करीब थे। मुंह से वो बातें कहते हैं जो इनके दिल में नहीं है, और जो कुछ ये छुपाते हैं अल्लाह उससे खूब वाकिफ है। ये खुद तो जंग से बचकर बैठ ही रहे थे, मगर जिन्होंने अल्लाह की राह में जाने कुर्बान कर दी, अपने उन भाइयों के बारे में भी कहते हैं कि अगर हमारा कहा मानते तो कत्ल ना होते। कह दो कि अगर सच्चे हो तो अपने ऊपर से मौत को टाल देना। जो लोग अल्लाह की राह में मारे गए उनको मरे हुए न समझना, वो मरे हुए नहीं है बल्कि अल्लाह के नजदीक जिंदा हैं, और उनको रिज्क मिल रहा है। जो कुछ अल्लाह ने उनको अपने फजल से बख्श रखा है उसमें खुश हैं, और जो लोग उनके पीछे रह गए और शहीद होकर उनमें शामिल नहीं हो सके उनकी निस्बत खुशियां मना रहे हैं कि कयामत के दिन उनको भी न कुछ खौफ होगा और न वो गमनाक होंगे, और अल्लाह के इनामात और फजल से खुश हो रहे हैं, और इससे कि अल्लाह मोमिनों का अजर जाया नहीं करता।